सामने जो खड़े हैं जिंदा शहीद है, जिंदा शहीद, सर से नीचे 100 गोली आतंकवादियों ने मारा है इसको, लेकिन तब भी ये जिंदा है इस राष्ट्र के लिए। और मुझे कहते हैं बेटा जी गुरुदेव आधा शरीर तो आतंकवादियों ने भून दिया, ये पांव आर्टिफिशियल है मीटा जी का, इनका नहीं है, आधा शरीर तो मैंने इस देश को दे दिया, अब जब जरूरत पड़ेगी तो आधा भी न्यौछावर कर दूंगा, लुटा दूंगा ये देश। भारत मां तेरे चरणों में हम शीश चढ़ाने आए हैं, जितनी भी अपने पास बची हम साथ चढ़ाने आए हैं, एक शाम चिरागों में सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं में लगा रखी है, अंजाम की भी हम परवाह नहीं करते, जान हमने भी हथेली पे उठा रखी है। अब मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित करने जा रहा हूं जिनका नाम सुनते ही आपकी रगों में राष्ट्रभक्ति खोलने लगती है, उसका ज्वार उठने लगता है, श्री मनिंदर सिंह जी बिट्टा। और हम सब जानते हैं कि एक ऐसा राष्ट्रभक्त, मुझे याद आता है रामप्रसाद बिस्मिल की पंक्तियां, जब उन्होंने अपनी सुबह लगने वाली फांसी के पूर्व रात्रि को अपनी मां को एक कविता लिखी, और जब तक वो मंच पर आते हैं उस कविता की सिर्फ 4 पंक्तियां मैं आपको पढ़कर के उनको आमंत्रण देता हूं। रामप्रसाद बिस्मिल ने अपनी मां से लिखा कि न चाहूं मान दुनिया से, न चाहूं स्वर्ग को जाना, मुझे वर दे यही माता, रहूं भारत का दीवाना। न चाहूं मान दुनिया से, न चाहूं स्वर्ग को जाना, मुझे वर दे यही माता, रहूं भारत का दीवाना। करूं मैं देश की सेवा, मिले चाहे करोड़ों दुख, अगर लू जन्म फिर से तो हो भारत में ही आना, तो हो भारत में ही आना। जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन करिए आतंकवाद के विरुद्ध हिमालयी फौलादी हौसले रखते हुए अड़ जाने वाले भारत के सबसे बेटे सपूत मनिंदर सिंह जी बिट्टा। जय गुरुदेव। मेरी गुरु मां, मेरे गुरु भक्त, मेरी बहने, मेरी माए, मेरे पिता समान, मेरे बड़े भाई राष्ट्रभक्त, जिनकी वजह से आज पूरे हिंदुस्तान में हर जगह पे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मंगल पांडे, इस्तफाकुल्ला खां, जलियांवाला बाग के शहीदों के खून से बना हुआ तिरंगा झंडा हर जगह पे लहराते देखते हैं। मेरे बड़े भाई नवीन जिंदल जी, मैं गुरु जी के चरणों में कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूं। हमेशा गुरु जी ने हमें यही सिखाया है, धर्म की रक्षा करना और प्रथम राष्ट्र, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे, यह गुरु जी ने सिखाया है। जब हमारे गुरुदेव धर्म के साथ साथ राष्ट्र के लिए, राष्ट्र भक्ति के लिए हम सबको प्रेरणा देते रहे, जिस तरीके से नवीन जिंदल जी ने बताया, वो भारत कभी कमजोर नहीं हो सकता, वो भारत मां हमेशा हमेशा मजबूत और हमेशा अमर रहेगी। अभी कुछ देर पहले गुरुदेव जी ऑस्ट्रेलिया गए, गुरु भक्त, गुरु बहने, गुरु भाई वहां थे, वहां कुछ ऐसे लोग समागम पे आए जो राष्ट्र के खिलाफ थे, जो तिरंगे झंडे के खिलाफ थे, जो भारत मां के दुश्मन थे। और जब देखा गुरु जी ने कि तिरंगे झंडे को अपमानित होते हुए ऑस्ट्रेलिया में देख करके नीचे उतरे, उस तिरंगे झंडे को उठाया, उस तिरंगे झंडे को सीने पे साथ लगाया और उनको कहा, ये मेरी उस भारत मां का तिरंगा झंडा है जो दुनिया के अंदर एक मां जिसका नाम भारत मां, ना इंग्लैंड, ना अमेरिका, ना चाइना, ना फ्रांस, ना पाकिस्तान, ना बांग्लादेश, एक हिंदुस्तान, वो तिरंगा झंडा सीने पे लगाया और कहा, चलाओ गोली, करो हमला, ये तिरंगा झंडा गुरु की छाती पे, गुरु के संस्कारों पे रहेगा। तो मैं आज के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन, यही गुरु जी के आज प्रार्थना करूंगा कि हमें शक्ति दे, हमें ताकत दे, हमारे भारत मां की समाएं सुरक्षित रहे, हमारे जवान, हम सोते हैं वो रात को जागते हैं कड़क सर्दी के अंदर, कड़क गर्मी के अंदर,
हमारा भारत ऊंचा रहे और हमारा देश हमेशा मजबूत रहे, इन्हीं शब्दों के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और आखिर में गुरु जी को याद करते हुए ये बम्बों से बोनस की जिंदगी इस राष्ट्र के लिए, फिर मैं उन लोगों को चैलेंज करता हूं, हे भारत माँ तेरे चरणों में हम शीश चढ़ाने आए हैं, जितनी भी अपने पास बची हम सांस चढ़ाने आए हैं, एक शाम चिरागों में सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं में लगा रखी है, अंजाम की भी हम परवाह नहीं करते, जान हमने भी हथेली पे उठा रखी है, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। भारत माँ के एक ऐसे बेटे जिन्होंने न जाने कितनी बार जीवन में आतंकवाद के दंश को झेला, लेकिन उनका फौलादी सीना इस बात को लेकर के खड़ा रहा कि इस राष्ट्रभूमि के लिए शरीर का कतरा कतरा भी यदि हमको बलिदान करना पड़ेगा तो हम करेंगे। और अपने गुरु से प्रेरणा पाने वाले ऐसे गुरु भक्त मनिंदर सिंह जी बिट्टा के लिए एक बार जोरदार तालियां ये सदन बजा करके उनका अभिनंदन करे, उनका अभिवादन करे। राष्ट्र शान के रूप में जो अगला सम्मान है वो श्री मनिंदर सिंह जी बिट्टा को दिया जा रहा है। और मैं गुरुदेव के साथ में ये अवार्ड प्रदान करने के लिए चंद्रा जी भंसाली प्रेसिडेंट यूएसए और रविचंद्रा जी गारू माननीय सांसद को आमंत्रित करता हूं कि वे आएं। और श्री मनिंदर सिंह जी बिट्टा अध्यक्ष अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा नई दिल्ली को ये सम्मान प्रदान करेंगे। श्री मनिंदर सिंह जी बिट्टा का राष्ट्र व समाज के हित चिंतन में संलग्न श्रमशीलता, कर्मठता, गांभीर्यता, स्पष्टवादिता, जागरूकता एवं धार्मिकता आपके व्यक्तित्व की पहचान है। राष्ट्रहित के प्रति आपकी भावनाओं सेवाओं को देखते हुए श्री सिद्धेश्वर तीर्थ ब्रह्मर्षि आश्रम तिरुपति आपको राष्ट्र शान के अलंकरण से अलंकृत करते हुए गौरव का अनुभव करता है। जोरदार तालियों और संगीत के साथ में श्री मनिंदर सिंह जी बिट्टा का अभिनंदन करेंगे। मेरे बंधुओं, आज जो बिट्टा जी को सम्मान मिल रहा है, मनिंदर सिंह जी बिट्टा सामने जो खड़े हैं, जिंदा शहीद है, जिंदा शहीद। सर से नीचे 100 गोली आतंकवादियों ने मारा है इसको, लेकिन तब भी ये जिंदा है इस राष्ट्र के लिए। और मुझे कहते हैं बेटा जी, गुरुदेव आधा शरीर तो आतंकवादियों ने भून दिया, ये पांव आर्टिफिशियल है बेटा जी का, इनका नहीं है। आधा शरीर तो मैंने इस देश को दे दिया, अब जब जरूरत पड़ेगी तो आधा भी न्योछावर कर दूंगा, लुटा दूंगा ये देश। जय गुरुदेव। आज इस सेवा, इस ईमानदारी, इस महानता को देखते हुए ब्रह्म ऋषि आश्रम, वर्ल्ड स्पिरिचुअल फोरम, श्री मनिंदर सिंह बिट्टा जो सही देश का शान है, एक बार सब बोलो जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत मेरा महान, भारत महान, भारत मेरा महान, भारत मेरा महान। इस मनिंदर सिंह बिट्टा को राष्ट्र शान के सम्मान से सम्मानित करता है, जोरदार तालियां। भारत माता की, भारत माता की।